दोस्तों, हम अपने लिए घर ढूंढने के लिए जब निकलते हैं तो घर में सबसे पहले क्या देखते हैं? देखते हैं घर हमारी ज़रूरतों को पूरी कर पा रहा है, कितना स्पेस है, कितने रूम्स हैं, कितने टॉयलेट बाथरूम हैं, कितनी बालकनी है, कितनी उसके अंदर नेचुरल सनलाइट है, कितनी वेंटिलेशन है, किस मेट्रो के और पब्लिक जितनी भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं उससे कितना दूर है, हमारे ऑफिस से कितना दूर है, और लास्ट में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि वो घर और वो एरिया कितना सेफ और सिक्योर है हमारे लिए और हमारे अपनों के लिए। वो ही सेफ और सिक्योरिटी को देखते हुए, उसी घर की ज़रूरतों को देखते हुए है कुशवाहा होम्स आपके लिए लेके आया है मोस्ट सेफेस्ट और सिक्योर्ड सोसाइटी इन उत्तम नगर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय भूषण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेफेस्ट और सिक्योर्ड सोसाइटी, गेटेड सोसाइटी, गार्डेड सोसाइटी इन उत्तम नगर फ्रॉम कुशवाहा होम्स। मैं आपको सबसे पहले गेटेड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। आप देखते होंगे, आप चाहते हैं कि आप और आपके अपने जो हैं एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहें, एक पढ़े लिखे और एक सेफ़ एंड सिक्योर्ड एनवायरनमेंट के अंदर रहें, राइट? तो उसी चीज़ को देखते हुए हमने गेटेड सोसाइटी बनाई है। 2000 गज के आसपास का प्लॉट है जिसमें 15-15 फुट की वॉल हुई हुई है, चारों तरफ बाउंड्री हुई हुई है और एक गेट लगा हुआ है। उस गेट पे गार्ड बैठा हुआ है और जो भी एंट्री करता है वो गार्ड नोट करता है, आप जो रेजिडेंट हैं उनसे पूछता है, तो रेजिडेंट जब यस करते हैं तब उनको एंट्री देता है, जस्ट लाइक द्वारका एंड DDA फ्लैट्स। तो दोस्तों, जो आपको फैसिलिटीज़ 2-2 करोड़ के फ्लैट में मिल रही हैं, वही फैसिलिटीज़ आपको 70-71 गज के फ्लैट और 100 गज के फ्लैट में 31 लाख रुपये से शुरू होकर 40, 42, 43, 44 लाख रुपये के फ्लैट्स के अंदर मिल रही हैं, जिसके अंदर डाउन पेमेंट आपको मात्र 10% करनी है। तो दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी ना छोड़ें, पूरी वीडियो देखें, आपको 100 गज के 3 BHK पैटर्न 1, 100 गज के 3 BHK पैटर्न 2 और 71 गज का पैटर्न 3। सोसाइटी के अंदर 2 टावर हैं, अभी हम टावर 1 कंप्लीट कर चुके हैं जिसके सैंपल फ्लैट में हम बैठे हैं। तो इसके अंदर 3 BHK और 2 BHK है, 3 BHK 100 स्क्वायर यार्ड में, 2 BHK 71 स्क्वायर यार्ड के अंदर है। तो पैटर्न 2 के अंदर जो आएगा 75 स्क्वायर यार्ड का 3 BHK और 55 स्क्वायर यार्ड का 2 BHK लिफ्ट कार पार्किंग के साथ आएगा। तो दोस्तों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं गेटेड सोसाइटी जो है, गेट से एंट्री हुई हमारी, एंट्री होते ही राइट साइड में टावर 1 है, लेफ्ट साइड में टावर 2 है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, टावर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो आप उसके अंदर एंटर करते हैं, लिफ्ट कार पार्किंग पूरी, तो 2000 गज की पार्किंग ही पार्किंग है दोस्तों, पूरी पार्किंग, कोई दुकान नहीं, कोई कुछ नहीं, पूरी क्लियर पार्किंग आपको मिल रही है। पार्किंग का इशू जितना है आज के टाइम में दिल्ली के अंदर, तो इस सोसाइटी के अंदर आपको लाइफ में पार्किंग का इशू तो नहीं आएगा। पूरी 2000 गज जितना भी बड़ा प्लॉट है ये, उतनी पूरी पार्किंग स्पेस आपको, एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस दिया गया है। लिफ्ट लगाई गई हैं, कॉरिडोर्स बहुत सुंदर और बहुत अच्छे कॉरिडोर्स दिए हुए हैं। फायर प्रोटेक्शन के लिए हमने फायर एक्सटिंग्विशर लगाए हैं। सोसाइटी जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर को हमने बहुत सुंदर सजाया है। एक अच्छी फीलिंग आनी चाहिए कि आप बहुत अच्छी सोसाइटी में, एक बहुत फुल फ्लैश लग्जरी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं। तो कम दाम पे एक अच्छी लग्जरी सोसाइटी आपको मिल रही है तो आप क्यों नहीं लेंगे। रूफ है वो हमने पूरी की पूरी प्लेन रखी हुई है, अपने छोटे मोटे फंक्शंस आप करना चाहें नीचे पार्किंग में भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, गेटेड सोसाइटी जो आप बहुत पॉश एरियाज में देखते हैं, जस्ट लाइक द्वारका, साउथ दिल्ली, वसंत विहार वगैरह के अंदर, वो गेटेड सोसाइटी हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत चीप रेट्स पर, मतलब 31 लाख रुपए में, 42 लाख रुपए में, 44 लाख रुपए में आपको गेटेड सोसाइटी का सेफ्टी, सिक्योरिटी, फन, एंटरटेनमेंट और आपको लेविश लाइफस्टाइल आपको मिल रहा है आज कुशवाहा होम्स के थ्रू। तो दोस्तों, ये गेटेड सोसाइटी की जो वीडियो है वो मैं अब शुरू करूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने YouTube हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप यू आर मेकिंग अ मिस्टेक दोस्तों। किराया पराया है, जो लोग मेरे भाई लोग किराए पे रह रहे हैं, किराया पराया है, EMI अपनी है, EMI देके हम कुछ ही साल में अपना फ्लैट क्लियर करा लेंगे बैंक से, मालिकाना हक हमारा हो जाएगा और उन कुछ ही सालों के अंदर प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़े होंगे। तो दोस्तों, किराया मत दीजिए, EMI दीजिए। किराया अगर आप 15,000 दे रहे हैं तो 15 की जगह 18,000 या 20,000 रुपये आप EMI दीजिए ना, या 15 की जगह 15 EMI दीजिए ना। हमारे पास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK स्टार्टिंग फ्रॉम 15 लाख रुपये गोज़ अप टू 2.5 करोड़ रुपये, हमारे पास सब है,
सब कुछ है। आपके पास 1 लाख रुपए है, हमारे पास मकान है, 1 लाख दीजिए ईएमआई करा लीजिए। आपके पास 2 लाख है तो हमारे पास मकान है, 3 लाख है तो मकान है, 4 लाख है तो मकान है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास डाउन पेमेंट कम है, कोई इशू नहीं है। आपको लोन कराना है, कोई इशू नहीं है। आप हमारे पास आइए, हमारे कंसल्टेंट जो हाईली ट्रेंड कंसल्टेंट्स हैं, आप उनसे बात करिए। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको पूरा गाइड करेंगे। आप मुझसे पर्सनली मिलिए, आप मैं आपको पूरा गाइडेंस दूंगा कि किस तरह आप अपना मकान बना सकते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए। आपको ड्रीम होम आपको यहीं से मिलेगा, ज़बरदस्त मिलेगा, और पक्का मेरा विश्वास है आपको इस चैनल से ही आपको ड्रीम होम मिलेगा। और जिन लोगों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया है, वो जल्द से जल्द फॉलो करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम बहुत अमेजिंग कर हो गया है। अब हमारे चैनल जो हैं, आपको डेली अपडेट्स मिल रहे हैं, डेली क्रिएटिव्स डल रहे हैं, डेली रील्स डल रही हैं, डेली शॉर्ट वीडियोज़ डल रही हैं, डेली एक्साइटिंग ऑफर्स डालते रहते हैं हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। यूट्यूब पे नहीं डालते, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम एक्साइटिंग ऑफर्स डालते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉलो किया है, वो अगर हमें आके दिखाते हैं कि हम आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हैं, तो उनको स्पेशल उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा हमारे डील के वक्त। तो प्लीज़ फेसबुक और इंस्टाग्राम को सब फॉलो करें, हमारी रील्स जलती रहती हैं, हम उनको लाइक करें, हमारे पोस्ट जलते रहते हैं, उनको लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी वीडियोस को भी लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, आइए मैं आपको उत्तम नगर की सबसे सेफेस्ट और सिक्योर्ड सोसाइटी के अंदर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ आपका ड्रीम होम। लेट्स गो। रुकिए, जाने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जो लोग द्वारका में फ्लैट देख रहे हैं, हमारे पास द्वारका के अंदर 1.5 करोड़ से नीचे कोई फ्लैट नहीं था, और अब द्वारका के प्राइजेस जो हैं 1.70 करोड़ रुपए से 2.25 करोड़ के अंदर, जो दोस्त हमें कहते थे 1 करोड़ से नीचे का हमें फ्लैट चाहिए, तो उनके लिए हम एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं द्वारका के अंदर। तो द्वारका सेक्टर 23B के पास आपको 50 लाख में 2 BHK, 75 लाख में 3 BHK एल टाइप कॉर्नर फ्लैट, और 95 लाख रुपए में 95 लाख रुपए में 4 BHK एल टाइप कॉर्नर फ्लैट। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वीडियो उत्तम नगर की है। नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करें और बताएं द्वारका के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करना चाहते हैं, और जल्द से जल्द कॉल मिलाएं नीचे दिए हुए नंबर्स पे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ गेटेड सोसाइटी अपनी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय भूषण और अब आप आ गए हैं उत्तम नगर की सबसे सिक्योर्ड गेटेड सोसाइटी के अंदर। तो दोस्तों नमस्कार, उत्तम नगर के अंदर हैं हम, मेट्रो के बहुत पास बैठे हुए हैं, और इस समय हम गुरु हरकिशन नगर कॉलोनी के अंदर हैं, जिधर हम गेटेड सोसाइटी, जिस तरह मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको बताया, गेटेड सोसाइटी, मोस्ट सिक्योर्ड गेटेड सोसाइटी हमने बनाई है, और गार्डेड एंट्री है, गार्ड के थ्रू एंट्री होती है, और इस सिक्योरिटी और सेफ एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ब्यूटीफुल 3 BHK बनाया है, बहुत ही प्यारा। पैटर्न 1 की वीडियो में आपने पहले देखी थी, अभी है पैटर्न 2। फर्क दोनों 100 स्क्वायर यार्ड के हैं, वो थोड़ा सा लंबा ज़्यादा है, थोड़ा चौड़ा ज़्यादा है, तो फर्क कुछ नहीं है। शुरुआत करता हूँ, पूरी वीडियो देखेगा, एंड के अंदर प्राइस रिवील करूँगा। ये जो ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम की डायमेंशंस की बात करें तो 19x10 का ड्राइंग रूम है, जिसमें आप देख सकते हैं ये 5-सीटर चेस्टरफील्ड सोफा प्लस 2 कॉफी चेयर प्लस ये मार्बल लुक लाइक सेंटर टेबल दी हुई है। आप देख सकते हैं सामने ही टीवी पैनल दिया है, LCD पैनल, प्योर वुडन टीवी पैनल दिया है। फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूं तो विट्रीफाइड डिजिटल टाइल्स की हैं, आइवरी कलर की। डाइनिंग एरिया की बात करूं तो 4 कुर्सियों का 4 चेयर डाइनिंग टेबल यहाँ पे किचन के सामने हमने प्लेस किया है। आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सिंपल और सोबर फॉल सीलिंग हुई है, और चैंडलियर जो झूमर लगा हुआ है, बहुत ह्यूज गोल्डन कलर के अंदर झूमर लगा हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग काफ़ी बोलते हैं कि हम लोग जो हैं, जो कुशवाहा होम्स है, काफ़ी अच्छे सोबर कलर यूज़ करता है, काफ़ी लाइट कलर यूज़ करता है, और काफ़ी डिसेंट स्कीम थीम होती है, तो उसी पर ही हम वर्कआउट करते हैं। देखिए, बहुत बड़ी जेंट्री है, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो फ्लैट खरीदने वाले होते हैं। कुछ लोगों को कुछ तरह की चीज़ पसंद आती, कुछ को किसी तरह की। हमारा जो
मेन एम रहता है वो रहता है कि सिंपल सोबर आपको थीम बेस्ड एक घर मिले जो आपकी सारी यूटिलिटीज़ को और सारी नीड्स को पूरा करें। तो फॉल सीलिंग की बात कर रहा था, इसके अंदर इस बार हमने वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है, बहुत सुंदर इसको इसकी आउटपुट देने का, बहुत सुंदर विजन देने का। तो देख सकते हैं बहुत प्यारे लग रहे हैं वॉलपेपर। अब मैं बात करता हूँ किचन की, अब हम आ जाते हैं किचन एरिया के अंदर। तो किचन की डायमेंशंस 9x6 की है, आप देख सकते हैं, और साथ में एक बहुत बढ़िया एरिया दिया है। प्लीज़ ये एरिया देखिए, इसके अंदर आप फ्रिज रख सकते हैं, अपना ओवन रख सकते हैं, अपना माइक्रोवेव रख सकते हैं, अपना ओवन, टोस्टर, ग्रिल, सब चीज़ें रख सकते हैं, बिल्कुल सेपरेट दिया। जनरली क्या होता है, किचन के अंदर ही हम दे देते हैं, या किचन के साथ में आपको ड्राइंग रूम में सेट करना पड़ता है फ्रिज, बट इस बार हमने फुल डेडिकेटेडली स्पेस दिया है हर चीज़ को। यूटिलिटी एरिया अगर हम बात करें कि वॉशिंग मशीन का रखी जाएगी, उसको भी बहुत अलग स्पेस दिया है। जो मास्टर बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट जो 4 फुट का होता था, अब वो 5 फुट, 5.5 फुट का होता है। तो हर चीज़ को बहुत तवज्जो दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है। तो ये आपका फ्रिज का स्पेस है और आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस का स्पेस है। तो अब हम आते हैं अपने किचन के अंदर। किचन आप देख सकते हैं फुली मॉड्यूलर किचन है विद इलेक्ट्रिक चिमनी, और जिस तरह से रिक्वायरमेंट रहती थी, क्लाइंट्स बोलते थे कि हमें स्टेनलेस स्टील की किचन दीजिए, जो बास्केट्स हैं उसके नीचे स्टेनलेस स्टील हो, जिससे कि अगर हम वेट यूटेंसिल्स, अगर हम गीले बर्तन रखते हैं तो वो ख़राब ना हो। इस बार हमने स्टेनलेस स्टील की बास्केट्स दी हैं सारी की सारी। पीछे देख सकते हैं मार्बल लुक लाइक में टाइल दी हुई है, नीचे आपको जो ग्रेनाइट टॉप है, ब्लैक ग्रेनाइट टॉप, और जिस तरह हमारा डुअल कलर के अंदर, वाइट और ग्रे के अंदर, इस बार हमने थीम में सेट किया है किचन। वेंटिलेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको शाफ्ट दी हुई है वेंटिलेशन के लिए, ये खिड़की है, इसके बाद आपको शाफ्ट है, वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगी, और ये स्टेनलेस स्टील की सिंक है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ मास्टर बेडरूम में। डायमेंशंस की बात करें तो 12x10 के बेडरूम है। अटैच टॉयलेट बाथरूम जो है वो 7x5 फुट का है, जिसके अंदर टेलीफोनिक शावर लगा हुआ है, कमोड लगा हुआ है, और साथ में कोने में वॉश बेसिन है। वेंटिलेशन खिड़की के थ्रू है, वो विंडो लगी हुई है, सिंपल फॉल सीलिंग हो रखी है, और पूरी वॉल टू वॉल टाइल्स लगी हुई हैं। बहुत अच्छा लाइट ग्रे कलर का इसके अंदर डुअल कलर में इसमें थीम दी हुई है वॉल टू वॉल टाइल्स की। अगेन इस बेडरूम की वेंटिलेशन की बात करूं तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी विंडो दी हुई है, आप विंडो देख सकते हैं काफ़ी बड़ी है, आयरन ग्रिल भी दी हुई है सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, पीछे ग्लास विंडोज दी हुई हैं अच्छी नेचुरल सनलाइट और वेंटिलेशन के लिए। ऊपर हमने स्पेस दिया हुआ है विंडो एसी के लिए, और नीचे हमने ये छोटी सी अलमीरा भी दी हुई है। स्टोरेज की जिस तरह हम बात करते हैं, स्टोरेज की कमी नहीं आने देते, आप देख सकते हैं 6 फुट की पूरी अलमीरा है। यहाँ टीवी पैनल के अंदर भी स्टोरेज दिया हुआ है, बेड के अंदर भी स्टोरेज है, तो स्टोरेज की कोई कमी नहीं है। और जिस तरह मैंने आपको बताया था, मास्टर बेडरूम के अंदर जो टाइल्स हैं वो वुडन टेक्सचर में हैं। आइए मैं आपको दूसरे रूम में लेके चलता हूं। पूरा साइज जो है डोर का वो 8 फुट का है, आपको पीयू की मैट फिनिश में पॉलिश हुई हुई है। अब अंदर आते हैं तो विट्रीफाइड डिजिटल टाइल्स हैं आइवरी कलर की, फॉल सीलिंग हुई हुई है, किंग साइज बेड रखा है, सामने टीवी पैनल है, और पूरी फुल लेंथ अलमीरा दी हुई है आपको 6x8 फुट की। अगेन वेंटिलेशन के लिए हमने बहुत बड़ी खिड़की दी है, आप देख सकते हैं, और ये आपकी बालकनी है। आइए मैं आपको लेके चलता हूं बालकनी में। बालकनी देख सकते हैं आप, अंदाजन 13x4 फुट की आपकी बालकनी है, जिसके अंदर डेडिकेटेडली यूटिलिटी एरिया बना हुआ है कोने में, वहां पे टैप लगा हुआ है और ड्रेन लगा हुआ है, जिससे कि आप वहां पे वॉशिंग मशीन परमानेंट फिक्स करके आप उसको वॉशिंग एरिया बनाएं। और 4 फुट के आसपास ही घेराई है बालकनी की, तो 4 फुट इज अनफ, आप कुर्सी रख के बैठ के आराम से इंजॉय भी कर सकते हैं फ्रेश एयर को। सामने SS की स्टेनलेस स्टील की ग्रिल लगी हुई है। तो दोस्तों थर्ड बेडरूम में जाने से पहले इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कॉमन टॉयलेट बाथरूम। कॉमन टॉयलेट बाथरूम की भी डायमेंशन 7x5 की है। कोने लास्ट में हमने कमोड लगाया है, बीच में हमने शावर एरिया दिया है, और इधर हमारा वैनिटी एरिया है।
वॉश बेसिन और वॉल टू वॉल टाइल्स लगी हुई हैं, ऊपर सीलिंग हुई हुई है, कॉब लाइट्स, कंसील लाइट्स सब ली हुई हैं और सामने आपको वेंटिलेशन के लिए खिड़की दी हुई है। वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है घर के अंदर, तो खिड़की दी हुई है, हर कमरा इसमें वेंटिलेटेड है। और किचन की बात करें, रूम्स की बात करें, ड्राइंग रूम, हर जगह वेंटिलेशन है। आइए मैं आपको अब मोस्ट एक्साइटेड पार्ट ऑफ दिस फ्लैट में लेके चलता हूँ आपको, थर्ड बेडरूम के अंदर। आइए तो दोस्तों डायमेंशंस की बात करें अगर हम, तो 15 फुट बाय 11 फुट का ये थर्ड बेडरूम है, विच इज वाओ। इसमें आपको किंग साइज बेड रखा है, सामने टीवी पैनल है, वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो दी हुई है, फॉल सीलिंग बहुत सोबर, जिसके अंदर ग्रे कलर के अंदर देख सकते हैं आप, थीम सेट करिए, ग्रे आपको वॉलपेपर की फिनिशिंग दी हुई है, सामने ग्रे ही कलर का टीवी पैनल है, ग्रे ही कलर का बेड है। और जो फुल लेंथ अलमीरा है, अंदाजन 6 फुट बाय 8 फुट की अलमीरा है, उसमें भी वुडन प्लस ग्रे का टेक्सचर दिया हुआ है। तो दोस्तों थीम सेट करना बहुत ज़रूरी है घर के अंदर। तो डायमेंशंस मैंने आपको बता दी, 15 बाय 11 की हैं, बहुत ब्यूटीफुल रूम है, इसको आप मास्टर बेडरूम, सेकेंड मास्टर बेडरूम बना सकते हैं, या आप इसको किड्स रूम भी दे सकते हैं, बच्चों को भी बहुत जगह चाहिए होती है। और इसके अंदर विंडो एसी नहीं लग सकता क्योंकि बालकनी में नहीं है, तो इसमें हमने स्प्लिट एसी की वायरिंग दी है ड्राइंग रूम में, और इस बेडरूम में हमको स्प्लिट एसी की वायरिंग दी हुई है। तो दोस्तों ये था हमारा 3BHK उत्तम नगर की मोस्ट सेफ एंड सिक्योर गेटेड सोसाइटी के अंदर, जो कि मेट्रो के पास है, 30-30 फुट के रोड हैं, सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ है, बिजली, पानी, लिफ्ट, कार पार्किंग के साथ 3BHK गेटेड सोसाइटी के अंदर मैंने आपको फ्लैट दिखाया पैटर्न 2। इसका पैटर्न 1 की वीडियो आपको पहले दी हुई है, आप चाहे तो हमारे चैनल में देख सकते हैं। उससे पहले प्राइजेस 42 लाख रुपीज़ का फ्लैट है फ्रेंड्स, आपको देने हैं 10%, रेस्ट 90% आपका लोन हो जाएगा। तो दोस्तों किराया पराया है, किराए के मकान में क्यों बैठे हैं आप, किराया पराया है, EMI अपनी है, मकान के मालिक बनिए, EMI दीजिए, कुछ साल बाद मकान भी फ्री हो जाएगा और प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन भी अच्छी हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया 3BHK है, 3 बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, 2 टॉयलेट बाथरूम है, किचन है, 1 बालकनी है। ये आपको 42 लाख रुपए में मिल रहा है, आपको 10% देना है, बाकी 90% लोन हो जाएगा। और जो आप फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ देखते हैं उत्तम नगर में, सारी हैं यहाँ पे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर ये फ्लैट आपके बजट में नहीं है या पसंद नहीं आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर बहुत सारे सैकड़ों वीडियोस डले हुए हैं, आप कोई ना कोई आपको फ्लैट ज़रूर पसंद आएगा और आपको ड्रीम होम हमारा कुशवाहा होम से ही मिलेगा। तो दोस्तों ये है कुशवाहा होम का बहुत सुंदर और प्यारा फ्लैट, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें हमारा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जिन लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया है बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं दोस्तों, बहुत डेली अपडेट्स वहाँ पे हो रही हैं, डेली क्रिएटिव्स बन रहे हैं, डेली रील्स बन रही हैं, डेली हमारी वीडियोस डल रही हैं वहाँ पे, शॉर्ट वीडियोस, बहुत एक्साइटिंग ऑफर लॉन्च कर रहे हैं हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो हम यूट्यूब पे नहीं करते हैं। तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं हमको, तो आपको बहुत एक्साइटिंग ऑफर्स मिलेंगे, बहुत एक्साइटिंग। तो टिल देन, दिस इज विनय भूषण साइनिंग ऑफ फ्रॉम कुशवाहा होम्स, स्टे कूल, बाय बाय। तो दोस्तों जो अभी गेटेड सोसाइटी के अंदर जो हमारा रोड है उसके अंदर अभी सीवर लाइन का काम चल रहा है, प्रॉपर सीवरेज डल रही है, इस वजह से वो रोड टूटा हुआ है। तो हम अभी आपको वो रोड दिखाएंगे और गेट, मतलब जहाँ गेट लगेगा वो भी दिखाएंगे एरिया, बट वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, होपफुली नेक्स्ट 5-10 डेज के अंदर वो पूरा बन जाएगा। और फिर मैं एक बार दोबारा 10-15 डेज बाद एक वीडियो डालूंगा जिसके अंदर पूरा का पूरा वो डिस्क्रिप्शन होगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।